बिहार में शराबबंदी को ज़मीन पे लागू करने के लिए सरकार जो है अलग अलग तरीके अपना रही है। और अब तक आपने सुना होगा कि शराब पीने के बाद जब पकड़े जाते हैं कोई व्यक्ति तो उनको जेल होती थी, लेकिन अब सरकार ने अब कई जो है छूट कह सकते हैं शराब पीने वालों को दे रही है। शर्त उसके पीछे है कि अगर आप शराब पीते हैं पकड़े जाते हैं तो प्रशासन को आपको संबंधित जानकारी देना होगा कि शराब कहाँ से पिए, कौन है, तमाम बातें जानकारी देनी होगी। राजद प्रवक्ता मिथुन तिवारी है। अब सरकार, अब आपको लगता है कि शराबबंदी जमीन पर लागू हो पाएगी? सरकार के नए फरमान आ गए हैं। देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं है और सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए शराबबंदी पर रोज लगातार नए नए नियम और नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। ये तालिबानी फरमान जो सरकार रोज जारी करती है, ये सरकार को बताना चाहिए कि सरकार की पुलिस वो काम नहीं कर पाई, फेल हो गई, ड्रोन कैमरा नहीं खोज पाई, हेलीकॉप्टर नहीं खोज पाया, अब तो सेना बुलाना बाकी रह गया है। सरकार का शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। बीमारी कहाँ है? आँख में है मोतियाबिंद और दवाई सरकार कर रही है पेट दर्द की। अरे सरकार में बैठे लोग सत्ता का संरक्षण है शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को, ये क्या नाटक नौटंकी रोज कर रहे हैं? आप कभी शिक्षक को कहते हैं जाकर के मधुशाला घूमो, पाठशाला छोड़कर? और जो लोग बताएंगे शराब कहाँ से मिला तो उसके जान की रक्षा कौन करेगा? उनको भी खतरा है। और कोई आदमी नशा में गलत भी बोल सकता है, किसी को फंसा सकता है। ये सरकार में बैठे लोग कैसे कैसे लोग कैसे कैसे सलाह दे रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जितना ऊर्जा जितना आप फोकस शराब के पीछे लगा रहे, इतना अगर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के पीछे लगा देते तो आज देश और दुनिया में बिहार का नाम होता, बिहार देश में नंबर वन प्रदेश होता। एक अंतिम सवाल है, प्रशासन खोजती है तो उन पर हमला हो जाता है, सुरक्षित नहीं है, अब वही प्रशासन, यही हमने कहा कि अब जो है जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो नहीं पिएगा वो भी मरेगा, यही ना है। सरकार ने जो कोई चीज़ कानून, कोर्ट ने भी कहा कि कोई कानून बनाने के पहले, नियम बनाने के पहले उसका आगे पीछे सोचा जाना चाहिए, कौन देगा उसको सुरक्षा? ये सरकार ने तमाशा खड़ा कर दिया है। और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि आप ही ने पियक्कल पहले बनाया बिहार के लोगों को, अब आप सुधरने की सलाह दे रहे हैं, पहले सरकार में बैठे लोग सुधर जाएं, शराबबंदी कानून अपने आप सफल हो जाएगा। जिस दिन सरकार का इकबाल जग जाएगा, क्या मजाल है कि एक बूंद भी बिहार की धरती पर शराब टपक जाएगा? यहाँ तो शराब की गंगा नदी बह रही है, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और सरकार नाटक नौटंकी कर रही है। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। सरकार के नए फरमान के बाद राजद ने साफ तौर पे सवाल उठाया था कि जो प्रशासन खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, उन शराबियों को सुरक्षा मुहैया कराने का गारंटी कैसे दे सकती है। इसको हम इतना ही, देखते रहें बिहार। नमस्कार।